सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं कैसे, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मिराना के ड्रेसर ट्रंक की अनबॉक्सिंग। ये मैंने परचेज किए दोस्तों अमेजोन से। कुछ दिन पहले मैंने मिराना की एक ड्रेसर ट्रंक की अनबॉक्सिंग की थी, उसके साथ रिमोट नहीं आया था तो हम उसको चलाकर नहीं देख पाए थे। आज हम दोबारा से इस मोस्टर ट्रंक को मंगा लिया है और आज करेंगे फुल टेस्ट इसका। चलो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उससे पहले कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बॉक्स किस तरह से दिया गया है। तो यह है मिराना का बॉक्स, यहाँ पर दिया गया है मिराना का लोगो, यहाँ पर डस्टर ऑल टेरेन 4WD करके लिखा गया है। सी टाइप यूएसबी चार्जिंग केबल है इसके अंदर। 10 किलोमीटर प्रति हॉर्स मैक्स स्पीड है दोस्तों इसकी। 1.5 गुना हाई स्पीड बूस्ट इसके अंदर लगा हुआ है। 2500 mAh की इसके अंदर इनबुलेट लियोन बैटरी है। प्लस स्टोरेज के लिए दोस्तों है ये। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, एक एक करके बता देता हूँ आपको। इसके अंदर प्रोपोर्टेशनल स्पीड कंट्रोलेड है, लुमिनेशन हेडलाइट है, ऑल टेरेन टायर्स है, 1.5 गुना हाई स्पीड बूस्ट है, 4-व्हील ड्राइव है, पावरफुल मोटर है इसके अंदर। आपको इस तरफ से बॉक्स दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है रिमोट इसका, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो वही ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। बॉक्स को पीछे से दिखा देता हूँ, बॉक्स पीछे से कुछ इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हम कार को ऑन ऑफ करेंगे और ये है दोस्तों कार का रिमोट जिसको हम किस तरह से यूज में करेंगे सब कुछ बताया गया है। और मैंने इसको रेड कलर में परचेज किया है, मेड इन इंडिया का लोगो दिया गया है। चलो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा ट्रंक कैसे होने वाला है। चलो बॉक्स को ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर डस्टर ऑल टेरेन 4WD करके लिखा गया है। मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। इसके साथ दो दिए हैं सेल और ये है हमारी कार, ये है रिमोट। मैनुअल पेपर में बताया गया है कि हम इसको किस तरह से यूज में लेंगे और इसके अंदर कैसे सेल डालेंगे, तो इसको छोड़ते हैं साइड में। और इसके साथ दो दिए गए हैं मिराना की तरफ से सेल और ये है दोस्तों इस कार का रिमोट। और एक दी है चार्जिंग केबल और ये है कार। इतना सामान बॉक्स के अंदर से निकला। इसके टायर बहुत ही सॉफ्ट आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे रबड़ का प्रयोग किया गया है। आगे से आप देख सकते हो इस तरह से बम्पर है, हार्ड रबड़ से बना हुआ और इसके बहुत ही अच्छी तरह से सस्पेंशन काम कर रहे हैं आप देख सकते हो। और पीछे से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 4WD करके लिखा गया है। यहाँ पर एक मोटर दी गई है और एक आगे दी गई है। इसके चारों टायर एक साथ जोड़ लगाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर माउंटेन एक्सप्लोरर करके लिखा गया है, आप देख सकते हो ठीक ठाक। आपको मैं नीचे से दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों ऑन ऑफ का बटन और ये है इसके टायर इधर उधर करने। यहाँ पर चार्जिंग केबल है, ये आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से डलेगी। यहाँ पर इस तरह से चार्जिंग केबल डलकर और ये इसको अडेप्टर में लगाकर इसको हम चार्ज लगा सकते हैं। ये पावर ऑन की बत्ती है और ये है चार्जिंग की बत्ती। चलो रिमोट के अंदर सेल डाल लेते हैं। पहले रिमोट हो गया है ऑन, अब हम कार को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखो कार ऑन हो गई है और आगे वाली बत्ती भी ऑन ऑफ होने लग गई है। हम इसके टायर कुछ इस तरह से यहाँ से घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। चलो मैं एक बार बीच में कर देता हूँ। इस बटन से इसको लाइट को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं और इसके हम स्पीड देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा है, आप देख सकते हो स्पीड कितनी ज्यादा है। और इसके अंदर एक पावर बूस्ट का बटन दिया गया है, उसके दबाने इसकी ज्यादा और ज्यादा स्पीड हो जाती है। तो आप देख सकते हो इसकी 10 किलोमीटर प्रति और स्पीड तो मेरे को लग रही है। और इस तरह से इधर उधर कटाई कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको चलाई देखती हूँ, इसकी स्पीड देखो। चलो तो इसको लेकर चलते हैं बाहर और देखेंगे किस तरह से चलती है। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे अगली वीडियो मिल सकता है आपको भी शॉर्ट आउट। और पीछे वाली वीडियो का शॉर्ट आउट अब देने वाला हूँ। तो चलो लेकर चलते हैं इसको बाहर, लेट्स गो फास्ट दोस्तों। सो गाइस हम आ गए हैं बाहर, आप देख सकते हो ये है मिराना का डस्टर 4x4 ट्रक। इसको हम चलाने वाले हैं रोड पर और देखेंगे इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, किस तरह से ये कंट्रोल होता है और देखेंगे रिमोट रेंज इसकी कितनी ज्यादा है। और हम फिर लेके चलेंगे इसको ऑफ रोड में और ऑफ रोड में भी देखेंगे इसमें कितनी ज्यादा ताकत है। चलो तो पहले हम इसको रोड पर चलाकर देख लेते हैं। तो गाइस आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको चलाकर दिखा देता हूँ और इसके ब्रेक भी दिखा देता हूँ किस तरह से लगते हैं। इसकी कटाई भी ठीक ठाक आप देख सकते हो और इसके ब्रेक देख सकते हो आप, इसके ब्रेक देखो, ये देखो ब्रेक भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस इसके अंदर एक खास बात ये है कि हम इस बटन को धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे चलेगी आप देख सकते हो। और इसकी स्पीड थोड़ी सी मैं ज्यादा करता हूँ तो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है देख सकते हो आप दोस्तों। और ज्यादा करता हूँ तो इतनी इसकी ज्यादा और स्पीड हो जाती है आप देख सकते हो। 2000 के प्राइस में मैंने पहली बार ऐसी कार देखी, इसकी स्पीड तो देख ली होगी कुछ इस तरह से। टायर भी इसके सही तरह से कंट्रोल हो जाते हैं जो मैंने कम रुपए में इतने सारे फंक्शन देखे हैं। चलो दोस्तों तो इसकी स्पीड देख लेते हैं कितनी ज्यादा है।
सो गाइस आपने देखा होगा इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और इसके रिमोट के कंट्रोल भी बहुत अच्छे हैं। रिमोट के कंट्रोल आप देख सकते हो, धीरे 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 दोनों टायर चलते हैं और आप इसको तेज भी चला सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा फंक्शन है दोस्तों। अब लेके चलेंगे इसको ऑफ रोड में और देखेंगे ऑफ रोड में किस तरह से चलती है। तो चलो लेके चलते हैं ऑफ रोड में, लेट्स गो फास्ट दोस्तों। सो गाइस हम आ गए हैं ऑफ रोड में, आप देख सकते हो। अब हम ऑफ रोड में इस कार को चला के देखेंगे और टेस्ट करेंगे, देखेंगे आज मिराना की कार में कितना दम है। तो चलो इसको हम यहाँ पर चला कर देखते हैं। चलो दोस्तों तो चला कर देखते हैं। सो गाइस देख लिया होगा ना इस मोस्टर ट्रंक में कितनी ज्यादा ताकत है। ऑफ रोड में भी चली है ये और ये रोड पर भी बहुत तेज चली है। अब अगली बार टेस्ट करेंगे वाटर में, तो कमेंट में जरूर देना वाटर में टेस्ट करना है या नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे अगली वीडियो में मिलने वाला आपको शॉर्ट आउट और पिछली वीडियो का शॉर्ट आउट मैं दे दूंगा। और आपको एक बात बता दूं कि इसका किस कार के साथ कंपेयर कराएं वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सो गाइस शॉर्ट आउट दे देता हूं, तो किशन सोनी ने बहुत अच्छा कमेंट किया।